इस वक्त सरहद पार मोहब्बत की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर अंजू के वीडियो और निकाह के बाद अंजू के पति अरविंद कुमार कई राज खोले हैं। अंजू के पति ने कहा कि अब अंजू मुझसे तलाक मांग रही हैं। उसने दिल्ली में तलाक के पेपर भी जमा कर दिए हैं। उसने अपने बच्चों का भी दिल तोड़ दिया। अंजू के पति ने अंजू के वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर भी बयान दिया है। अंजू के पति का कहना है कि उनकी बड़ी बेटी अब नहीं चाहती कि माँ वापस आए। अगर माँ वापस आ भी जाए तो उनको वो अपनाएंगे नहीं। अंजू के पति लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। उनका कहना है कि अंजू का फ़ोन आया था, वो तलाक मांग रही हैं। पति अरविंद का कहना है कि सरकार को इनके सारे कागजात जाँचने चाहिए। हो सकता है नसरुल्लाह के बहकावे में अंजू आ गई हों और वो उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान जाने से पूर्व भी वो कहीं इधर उधर कहीं कभी घूमने के लिए गई एक दो दिन के लिए? ना, घूमने के लिए नहीं गई थी। वो जब 14 तारीख को उन्होंने छुट्टी ली थी, शुक्रवार शनिवार ऐसी पड़ रहा था, मैं भी छुट्टी पे था, हमारी कंपनी भी छुट्टी दे रखी थी, वो भी उसकी छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी ले रखी थी, कह रही थी मेरी छुट्टी है, मगर वो कह रही थी मेरे को दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए। अब वहाँ से आने के बाद वो दावा कर रही है कि वो आएंगी वापस, वीजा खत्म होने वाला है, बच्चों से भी मिलना है, उन्हें बच्चों में पूरा प्यार है, तो क्या आपका स्टेप रहने वाला है आगे? बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे अब? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो अगर वो आएगी भी तो ना, केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आके दावा करती है बच्चों पर, अपने हक पर, अपने पति पर, तो क्या उसके लिए आपके कदम होंगे? मेरे पे क्यों करेगी हक? उस पहले ही से मेरे से मांग रही है तलाक, तो मेरे से क्यों हक करेगी? बच्चे मांग रही है तलाक, अभी हुआ थोड़ी है। मांग रही है तो मैं कहां से, वो तो पहले ही से कह रही है ना कि दिल्ली में मैंने जमा कर रखा है तलाक का पेपर, मैं कभी गया है ही नहीं दिल्ली, मेरे को लेके गई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो दौरा है उनका जाना, एक महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है, कभी मेरे को कभी आया ही नहीं है वीजा के बारे में जानकारी। क्या लगता है कोई मददगार भी रहा होगा, या आपकी पत्नी खुद सक्षम थी इस सब चीजों के लिए, करा सकती थी? भाई जब वो पाकिस्तान जा सकती है तो वीजा भी करा सकती है अकेले, नहीं तो क्या कोई सहयोग रहा हो? वो पता नहीं क्या सहयोग, क्या पता उसका सहयोग हो उधर से, क्या कभी वो आया भी हो? ऐसा भी हो सकता है आया हो इधर, पता नहीं चला हो, उसने वीजा बनवा रखा होगा आने जाने का पहले ही से, जब उसको पहले ही से 2 साल से कह रहा है कि हम वो कर रहे हैं 2020 से ही, ये लॉकडाउन हो गया, क्या होता वो बीच बीच में आया हो? क्या मुख्य मांग अब आप सरकार से करते हैं, किस तरह की जांच हो और क्या किस लेवल की जांच हो? मैं तो कह रहा हूँ पूरी ढंग से जांच हो वीजा की, ठीक है, कई फर्जी साइन तो ना है हमारी। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा का रहने वाले सचिन मीणा चर्चा का विषय बने हुए थे। अब भारत से पाकिस्तान गई अंजू सुर्खियों में है। अंजू वीजा लेकर राजस्थान के भिवाड़ी से नसरुल्लाह के लिए पाक पहुंची हैं। बीते दिनों दोनों ने निकाह की खबरें भी सामने आई, लेकिन दोनों ने आधिकारिक रूप से इससे इनकार कर दिया था। सीमा हैदर से हो रही तुलना पर अंजू ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सब दावे गलत हैं और वह भारत वापस आ जाएंगी। अंजू ने एक इंटरव्यू में खुद के पाकिस्तान में होने की पुष्टि की थी। उसने कहा है कि वह पेशावर से आगे एक दीर अपर इलाका है, वहां पर वो हैं। यह पहाड़ी इलाका है, पहले सीमा हैदर और सचिन और अब नसरुल्लाह और मंजू मीणा, दोनों की लव स्टोरी सुर्खियों में आए दिन। दोनों के मामले में कुछ ना कुछ नए खुलासे होते रहते हैं। अंजू मीणा और नसरुल्लाह का एक और वीडियो सामने आया। दोनों लोग बिरयानी का लुफ्त उठा रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उनके कथित शौहर के साथ में कई लोग मौजूद हैं। वीडियो पर लोगों ने दावा किया कि ये सब उनके दोस्त हैं। बताया गया कि ये एक रिवाज है जो शादी के बाद निभाई जाती है। अंजू पाकिस्तान क्यों गई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वहाँ एक शादी है जिसमें वह शामिल होने के लिए गई हैं। पाक में वह अपने एक दोस्त के पास रुकी हैं। अंजू ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि सीमा हैदर से उनकी तुलना करना गलत है, वो मैं पाकिस्तान लौट आऊँगी, पाकिस्तान में मैं सुरक्षित हूँ। उन्होंने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि वह आने वाले 2 से 4 दिनों में भारत वापस लौट आएंगी। हालाँकि इसके बाद अभी कहा जा रहा है कि वो 20 अगस्त के बाद ही भारत आ सकते हैं, क्योंकि उनका 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा है, वीजा समाप्त होने से पहले वो भारत वापस आ जाएंगी।